दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको एमपीपीएससी और एमपीपीवी के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आप GUID PSC 25 का यूज कर सकते हैं और एमपीपीवी की टेस्ट सीरीज के लिए आप GUID PAB 50 का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको MPTET से रिलेटेड और MPPSC से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, और क्योंकि ई सर्विस बुक में कुछ तकनीकी खामी आ रही है यहाँ पर ई सर्विस बुक अपडेटेशन में, और देख सकते हैं ये क्या तकनीकी खामी है और कब तक ये प्रक्रिया होगी और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या पूरी न्यूज़ निकल के आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि तकनीकी अड़चन से अध्यापकों की नए कैडर में नियुक्ति इस माह भी संभव नहीं, कल तक होना है ई सर्विस बुक का अपडेटेशन। देख सकते हैं आप, चुनाव खत्म होते ही स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के नए कैडर में नियुक्ति की प्रक्रिया दोबारा शुरू भले ही कर दी हो, लेकिन यह काम इस महीने भी पूरा होने के आसार नहीं है। वजह यह है कि पोर्टल पर तकनीकी अड़चन आ रही है। बचे हुए अध्यापकों की ई सर्विस बुक के अपडेटेशन और वेरिफिकेशन की डेडलाइन 11 दिसंबर तय की गई है। यह काम संकुल प्राचार्यों को करना है। भोपाल के कई संकुल प्राचार्यों के लॉगिन और पासवर्ड से ओपन नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, हाईकोर्ट ने यहाँ पर और मोहलत दी है, और 30 नवंबर को आयुक्त लोक शिक्षण ने संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए थे कि 11 दिसंबर तक बचे हुए अध्यापकों की सेवा पुस्तिका अपडेट और वेरीफाई कर दी जाए। पोर्टल पर सर्विस बुक अपडेटेशन नहीं होने से संकुल प्राचार्य परेशान हैं। देखते हैं हम लोग ये काम कब तक शुरू हो जाएगा, और अपर संचालक DS कुशवाहा जी का कहना है कि हर हालत में ये काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा। आप भी क्या, आपको भी इसमें कुछ समस्या आ रही है? अगर आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी ई सर्विस बुक अपडेटेशन में, या आपका भी अभी तक जो भी नए कैडर में नियुक्ति है अभी तक नहीं हो पाई है, अगर ये प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।